हैप्पीनेस इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला है कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि सर बताइए कि मैं राशन कार्ड के लिए जब अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किस तरह से फोटो अपलोड करना है, किस तरह से सिग्नेचर अपलोड करना है, वो सारा चीज़ आप लोग पूछ रहे थे। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए बोला जाता है उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अप्लाई करते हैं राशन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ही गलती कर देते हैं और उनका राशन कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाता है। चलिए इस वीडियो में जो मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ उससे आपका राशन कार्ड कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, 100% बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जहाँ से आप लोग राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ। मैं आप लोग को सिर्फ इसमें आपको जो है सो राशन कार्ड में डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड कर किया जाता है वो सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जन परिचय वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको ऑल सर्विस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको बिहार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बिहार स्टेट सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, देख सकते हैं राशन कार्ड ऑनलाइन प्रोडक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू अप्लाई पे क्लिक करके रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन से, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं यानी कि देहात गाँव में रहते हैं तो यहाँ पर रूरल पर क्लिक करेंगे। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो वो सारा प्रोसेस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को ओनली फॉर जो है सो डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि बताइए कि डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोग को दे दूँ ताकि आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता हो। ओके, तो प्रोसेस मैं कर चुका हूँ, जितने भी मेम्बर का नाम इसमें ऐड करना था वो सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिर्फ इसमें बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे, एडिट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले दिखा देता हूँ कि जितने भी मेम्बर को ऐड किया हूँ वो सभी मेम्बर को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए इस पर क्लिक किया मेम्बर पे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी मेम्बर का नाम यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ राशन कार्ड में, वो सारा मेम्बर का नाम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है पेज और यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आता हूँ और ये सभी मेंबर का मैं अभी नाम ऐड किया हूँ और यहीं से डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट, सिंपली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को बारीकी से समझना, किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। उससे पहले चले यहाँ पे बता दे कौन से डॉक्यूमेंट कितने साइज में आपको रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है सेलेक्ट फैमिली फ़ोटो, मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे 100 है, 100 KB, यानी कि फ़ोटो जो होगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ़ोटो बनाया हूँ यहाँ पे, ये 100 KB से कम होना चाहिए फ़ोटो। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको 100 KB से जो इसका साइज रहेगा वो 100 KB से इसी तरह आपको कम कर लेना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सिग्नेचर मैक्सिमम साइज़, इसका भी 100 KB से कम होना चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिग्नेचर भी इस तरह से बना लिया हूँ। ओके, उसके बाद चले फिर से मैं देखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB। ओके, यानी कि 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये जो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है बताया कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर आपको जो सो बता देता हूँ, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा जिनके नाम से आप लोग राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले उनका आधार कार्ड स्कैन करेंगे, उसके बाद उनका बैंक खाता स्कैन करेंगे, उसके बाद आपको आवासीय भी इसी में एक साथ मर्ज करके अपलोड करना है इस वाले सेक्शन में। ओके, उसके बाद जितने भी मेम्बर का आप नाम ऐड करना चाहते हैं राशन कार्ड में, उन सभी का आधार कार्ड जो है सो एक फाइल में मर्ज करना है, यानी कि एक PDF में स्कैन करना है एक फाइल में। ओके,
उसके बाद जो कि देख सकते हैं किस तरह से मैं स्कैन किया वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ उनका आधार कार्ड, उसके बाद उनका बैंक खाता मैं स्कैन किया, उसके बाद यहाँ पे आवासीय उनका, उसके बाद जितने भी मेम्बर का नाम ऐड किया हूँ सभी का आधार कार्ड जो है सो यहाँ पे स्कैन कर लिया हूँ एक PDF में, जो कि दिखा दिया आप लोग को। उसके बाद चलिए आते हैं नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट मैक्सिमम साइज 1 MB। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1 MB से यहाँ पे कम जो है अपलोड करना, ओके। तो उसके बाद भी शायद यहाँ पे मैं बना रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मैं इस तरह से आपको एक PDF में जो सिंगल इसको स्कैन करना है इनकम सर्टिफिकेट को, ओके, उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट मैक्सिमम साइज 1 MB। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मैं यहाँ पे स्कैन कर रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल कास्ट सर्टिफिकेट ही आप लोग को स्कैन करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बारीकी से मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे फोटो अपलोड मैं कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे चलिए फोटो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, तो चलिए सिग्नेचर भी मैं यहाँ से जो सो ड्रॉप करके ही अपलोड कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे सिग्नेचर, ओके। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको जो एक साथ फाइल जो मर्ज किए हैं जितने भी मेंबर का उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इस जगह पे, ओके, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो चलिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ है तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद फिर से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, ओके। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे एक बार प्रीव्यू करके ज़रूर देख लीजिए कि वही डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो रहा है या दूसरा डॉक्यूमेंट तो कहीं नहीं अपलोड हो रहा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आप लोग अपलोड कर देते हैं बाय मिस्टेक तो आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा 100%, ओके। तो आप लोग एक बार प्रीव्यू करके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे प्रीव्यू करके ज़रूर देख लें, किस तरह से प्रीव्यू करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड जो है सो सेल्फ अटेस्टेड वाले सभी व्यक्ति का यहाँ पे अपलोड किया हूँ, इसको टिक आउट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता फर्स्ट पेज का प्रिंट जो था वो सेल्फ अटेस्टेड था तो वो भी मैं यहाँ अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो भी किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं जिनके नाम से आप लोग राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो उसका विकलांग सर्टिफिकेट भी एक ही साथ फाइल में मर्ज करेंगे इसमें, इस वाले में, ओके फ्रेंड्स, इस वाले में आपको अपलोड करना जहाँ पे आप सर, तो वहाँ पे करना, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसको टिक नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी लोड किया तो इसको भी टिक कर लूँगा, कास्ट सर्टिफिकेट लोड किया अपलोड किया तो इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली से अपलोड पे क्लिक कर देना, चलिए मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ऐसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, नीचे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आपको, तो मैं आप लोग को बताया था कि डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर देंगे तो उसे प्रीव्यू किस तरह से करेंगे कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या कहीं दूसरा डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा तीनों डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो चलिए इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है तो इसी पर क्लिक करूँगा। डाउनलोड होने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे है या दूसरा है, देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखें वही डॉक्यूमेंट है जो मैं अपलोड किया हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, अपलोड करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है वही डॉक्यूमेंट है या कहीं दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं हो गया, उसी तरह तीनों को देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जितने भी मेंबर का नाम ऐड किए वो सारा मेंबर का यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने लगेगा। देख लेंगे एक बार जो कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप लोग फिलअप किए वो सारा डिटेल जो है सो सही है या गलत है, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप लोग उसे एडिट कर सकते हैं बैक जाके, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेंबर अगर में अगर नाम गलती हुआ है या एप्लीकेंट में जो भी वहाँ से एडिट कर सकते हैं, ओके। अगर एडिट अगर सही है तो आपको क्या करना है, इसमें भी देख लेना है, जो इसमें जो सेक्शन है इसमें भी देख लेना है एप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल्स रहता है, जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई करते किए हैं उनका यहाँ पे डिटेल्स रहता है। तो आप लोग एक बार बारीकी से देख लेंगे कि जो भी डिटेल्स आप लोग फिलअप किए हैं वो सारा डिटेल्स
सही है या गलत है। ओके, सही है तो आपको नीचे आना है, इसमें देख लेना है जो भी मेंबर का नाम ऐड किया वो सारा मेंबर का नाम सही है तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो कि टर्म एंड कंडीशन दिया गया है इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे नहीं वाले सेक्शन में आपको टिक आउट करना है, एक में भी जो है सो हाँ वाले ऑप्शन में नहीं करेंगे। अगर हाँ वाला में कर देते हैं तो आपका राशन कार्ड कभी भी नहीं बनेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान देना है नहीं वाले ऑप्शन में। देख सकते हैं मैं यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन में टिक आउट किया हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्यों हाँ में करना है या नहीं करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे सभी में नहीं वाले ऑप्शन में टिक आउट करते चले जाना। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सी टर्म एंड कंडीशन है इसको जो है सो घोषणा पत्र को यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। इसमें लिखा हुआ यही कि जो भी मैं इसमें अपना जानकारी दिया वो मेरे जो है सो प्रविष्ट की हिसाब से है, मैं जो भी जानकारी दिया वो सही है, बिल्कुल राइट है। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक किया, उसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पे बोला जाएगा कि जो भी आप जो डिटेल्स डाले वो सारे डिटेल्स सही है तो आप लोग सबमिट कर लीजिए, नहीं तो आपको दोबारा जो है सो फिर से आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ सक्सेस एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, तो यहाँ पे सिंपली से आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपका फाइनली राशन कार्ड अप्लाई हो चुका है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली। नीचे आएंगे आप लोग रिसीविंग डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन रिसीविंग होता है वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से भी आप लोग प्रीव्यू करके देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे अपना जो रिसीविंग है वो डाउनलोड कर लेता हूँ इस पर क्लिक करके। तो चलिए मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो रिसीविंग है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और आपके सामने देखेंगे इस तरह से जो आपका रिसीविंग है राशन कार्ड का वो इस तरह से यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं जो कि रिसीविंग जो है प्रीव्यू हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपना राशन कार्ड अप्लाई कीजिए, 100% आप लोग का राशन कार्ड बनेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कि अभी तक मैं राशन कार्ड 2022 से 24 तक अभी तक 2000 प्लस राशन कार्ड जो है सो बना चुका हूँ, 100% जो है सो बना दिया हूँ, यानी कि फाइनल राशन कार्ड जो है सो उनको निकाल के दिया हूँ। और अप्लाई अभी तक कितना किया हूँ वो भी मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अप्लाई बहुत सारा किया हूँ और अभी तक मैं अपने हाथ से 2000 प्लस राशन कार्ड जो है सो व्यक्ति को बना के दिया हूँ। और अप्लाई तो बहुत किया हूँ, अभी और बनेगा। तो इसी प्रोसेस में मैं भी आवेदन करता हूँ जिस तरह से मैं आप लोग को बताया हूँ। और अगर आप लोग शुरू से वीडियो देखना, अभी तो मैं ये बताया था कि आप लोग डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करेंगे, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मेंबर का नाम ऐड किस तरह से करेंगे और मेरी पहचान जो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है मेरी पहचान वेबसाइट पे वहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और RC डिटेल्स में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो सारा वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।